हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू झटपटे झटकारे। आज हम बना रहे हैं चिकन फजीता राइस। अब सबसे पहले हम चिकन लेंगे मैरिनेट करने के लिए। यहाँ हमने 250 ग्राम चिकन लिया है और उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर दिया है। इसमें हम एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और फिर हम इसमें सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून ओरिगैनो, आधा टीस्पून काली मिर्ची, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून पेपरिका। और इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून विनेगर। अब हम इसमें सारे मसाले डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 40 मिनट तक मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। यहाँ हमने 1/2 kg चावल लेके उन्हें पका लिया था और वो ऐसे अच्छे बिखरे बिखरे होने चाहिए, और फिर आप उन्हें फ्रिज में ठंडा करने के लिए भी रख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप एक दिन पुराने चावल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अब तेल में हम एक प्याज मीडियम साइज़ की चॉप करी हुई डाल देंगे और इसे सॉटे कर लेंगे। प्याज भुन चुकी है, अब हम इसमें अपना फजीता का मैरिनेशन डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। अब हमने चिकन को अच्छी तरीके से पका लिया है और अब हम इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए अच्छे से लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक चिकन सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो अब यहाँ आइए, देखिए हमारा चिकन अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। हमारा चिकन अब अच्छी तरीके से कुक हो चुका है और अब देखिए कितने इजी तरीके से ये टूट रहा है, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस चिकन में कैप्सिकम डाल देंगे जो हमने जूलियंस में कट कर ली थी, और उसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। अब हमने अच्छी तरीके से कैप्सिकम और चिकन को साथ में यहाँ पे पका लिया है। कैप्सिकम को हमें एकदम गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची रखना है, और अब हम इसको साइड करके ऐसे यहाँ पे एक साइड में सारे राइस डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये वेल कम्बाइन हो जाए साथ में। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे अपना फजीता राइस अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कैसे खिले खिले और बिखरे बिखरे चावल दिख रहे हैं, बनके बहुत ही टेस्टी सा तैयार हुआ है, और अब हम इसे प्लेट करेंगे। ये हो गई हमारी प्लेटिंग रेडी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताएं मैं आगे और कौन कौन सी रेसिपीज बनाऊं। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।